जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे भाजपा अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है। और इसी बीच भाजपा सोलन में 23 जून को होने वाले शिमला संसदीय क्षेत्र के त्रिदेव सम्मेलन को लेकर तैयारियों में लग गई है। इसको लेकर देर रात तक एक बैठक चंबा घाट स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री एवं शिमला संसदीय क्षेत्र के पालक डॉक्टर राजीव सहजल की अध्यक्षता में हुई। बैठक की जानकारी देते हुए जिला भाजपा प्रेस महासचिव मुकेश गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम के प्रभारी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व विधायक नाहन डॉक्टर राजीव बिंदल ने अपनी बैठक में त्रिदेव सम्मेलन के लिए बनाई गई समितियों में से कुछ समितियों के कार्यों पर चर्चा करते हुए कार्यों की समीक्षा की गई तथा नगर साजो सज्जा पर व्यापक चर्चा करते हुए इस कार्य को युवा मोर्चा को सौंपा गया है। वहीं कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं को लेकर अतिरिक्त जिम्मेवारियां सौंपते हुए दिशा निर्देश को लेकर संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने में लगी है। सोलन में होने जा रहे शिमला संसदीय क्षेत्र के त्रिदेव सम्मेलन में 7000 के करीब बूथ पालक, बूथ अध्यक्ष और बूथ एजेंट भाग लेंगे। बिंदल ने कहा कि त्रिदेव सम्मेलन में सभी बूथ पालक, बूथ अध्यक्ष, बूथ एजेंट को एक पहचान पत्र और QR कोड दिया जाएगा और बैठने के लिए अलग अलग ब्लॉक बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि त्रिदेव सम्मेलन में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत करते हुए और 2022 के चुनाव में पुनः हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर के चली है। इस कड़ी में 4 पार्लियामेंट में 4 त्रिदेव सम्मेलन हो रहे हैं, जिनमें शिमला पार्लियामेंट का त्रिदेव सम्मेलन सोलन के पुलिस ग्राउंड में 23 जून को संपन्न होने जा रहा है। उस दिशा में व्यवस्था संबंधी दूसरी बैठक आज सोलन में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजीव सहजल जी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने की है। पूरी तरह से कार्यकर्ता तैयार हैं सारी व्यवस्थाओं को लेकर के, और लगभग 7000 पोलिंग बूथों के 7000 त्रिदेव हमारे यहाँ कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रत्येक कार्यकर्ता को उसका पहचान पत्र मिलेगा, QR कोड के साथ वो पहचान पत्र होगा। इतना ही नहीं, उसको अलग प्रकार से बैठने की व्यवस्था मिलेगी, अलग से ब्लॉक मिलेगा, बूथ अध्यक्ष पालक उनकी अलग से व्यवस्था होगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, केंद्र के बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, और हम ये मान के चलते हैं कि सोलन के कार्यकर्ता हर बार बेहतरीन व्यवस्था करने के लिए जाने जाते हैं, और इस बार भी वे अच्छा कार्यक्रम और अच्छा शो देंगे, जिससे संगठन और मजबूत होगा। लाइफ टाइम्स टीवी डेस्क की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी लेकर आया है फूड वॉक। फूड वॉक, जिसमें मिलेगा लोकल जायका और देसी के साथ इंटरनेशनल स्वाद। तो देखना ना भूलिए मंगलवार शाम 7 बजे सोलन फूड वॉक विद फूड एक्सपर्ट अर्पित अवस्थी।